हाँ शुरू करिए संदीप। हाँ नमस्कार। आज हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं उन्नाव से, सोशलिस्ट किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर सोशलिस्ट किसान सभा जगह जगह किसान पंचायतें कर रही है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में दो पंचायतें हरदोई में, एक उन्नाव में, एक बाराबंकी में और एक मुरादाबाद शिवडाला में हो चुकी है। और इधर एक नया मुद्दा उठ गया है उन्नाव जिले में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानूनी अधिकार बने, ऐसी मांग उठी है किसान आंदोलन की तरफ से। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्नाव के अंदर कुछ किसानों का धान खरीदा गया और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर की बात है, जो भी भुगतान एक मिल को करना था कायदे से तो धान की खरीद सरकारी खरीद केंद्र पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो धान किसी मिल वाले ने खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पे और वो भी भुगतान नहीं किया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देश में आंदोलन चल रहा है और उन्नाव में एक राइस मिल की इतनी हिम्मत है कि आंदोलन के बीच में वो किसान का भुगतान नहीं किया। तो अनिल मिश्रा जी, जरा ये पूरा प्रकरण बताइए कि ये क्या है और इसमें अभी तक क्या क्या किसान संगठन ने किया है। भैया हुआ ये कि ये आपको विदित है, जैसा कि आप लड़ाई लड़ते रहे और आपने विधानसभा में भी धरना किया इस मुद्दे को लेकर के किसानों के जी। और दस केंद्र थे, 22 केंद्र खोले गए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन दलाल सिस्टम खत्म नहीं हुआ जी। और उस सिस्टम के तहत किसानों की बहुत कम किसानों की खरीद हुई, बड़ा दबाव था। एक भानु सिंह जी हैं जो हमारे जिले से बिलोंग करते हैं और वो इस लड़ाई को लेकर चले और लगभग 100 किसानों का पेमेंट जो होना था उन्होंने जो इसके अधिकारी होते हैं उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप एक मिल पर ले जाइए मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, और वो मिल पर ले गए और मिल पर खरीद कराई गई और वहां की ये परिस्थिति रही। एक दर्दनाक कहानी है कि उसने ऐसा किया उन किसानों के साथ कि जो उड़ाया गया धान तो उसमें धान जो हल्का सा धान था वो भी उड़ा दिया गया और उतनी कटौती करके लगभग 2-2 किलो कम कर दिया गया जितना धान गया था, ये भी खेल खेला गया। और इसके बाद उनकी उनका पैसा नहीं मिला और जब उनका पैसा नहीं मिला तो उस पर भानु सिंह ने 5 तारीख से, पिछली जो 5 अप्रैल निकल गई उस तारीख से धरना अनिश्चितकालीन रखा, जिसमें हमारे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का भी समर्थन रहा, मैं भी गया था और उन किसानों का, क्योंकि वो एक दर्द थी। और होता ये है भैया, किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही पलता है, कर्ज ही उत्तराधिकार के रूप में अपने बच्चों को छोड़ जाता है, क्रेडिट कार्ड का कर्जा है और उस कर्जे को अदा करने के लिए किसान औने पौने दाम पर उस टाइम जब फसल तैयार होती है तब वो फसल बेच देता है जो भाव बिकती है। सरकार की जो खरीद की इतनी गड़बड़ी है कि वहां पेमेंट तो आपके हालात संज्ञान में है कि पेमेंट ही नहीं देते, और आज उनका तो एक बड़ी विडंबना हुई है कि उस फसल के बाद आज तक उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। कुछ किसानों का पेमेंट हुआ है उसमें, जिसकी मैं सूची आपको भेजूंगा, 100 रुपए के लगभग किसान थे वो जिनकी ये गड़बड़ी हुई। अच्छा, जरा ये आप बता सकते हैं कि किस किस रेट पे उस मिल ने खरीदा था? रेट तो सरकारी ही लगाया गया था लेकिन उसका वजन कम कर दिया गया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी के तहत खरीदा गया, लेकिन जब पैसा नहीं मिला और अंत में किसान मारा मारा घुमा, आज ये नाजुक हालत है कि जब भानु सिंह वो लड़ाई नहीं लड़ पाए तो हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है और आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में एक चुनौती डीएम को दी गई है कि अगर 6 तारीख तक वो इस पर मैं ब्याज के, क्योंकि इधर किसान क्रेडिट कार्ड का बैंक को कर्जा दे रहा है जी, और हम ये भी मांग करेंगे आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में कि जो हमारा धरने का खर्च आ रहा है, जो हमारी दौड़ भाग हो रही है, वो भी हिसाब उनसे दिलाया जाए और मैं ब्याज के पैसा दिया जाए, ऐसा हमने जिला मजिस्ट्रेट को लिखकर दे दिया है। 6 तारीख तक हमारा इंतजार है।
और 6 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर किसी भी टाइम आपकी राय लेकर के हम वहाँ बैठेंगे। ठीक है ठीक है। बस अब अनिल जी हमारे आज के मेहमान आ गए हैं, तो जी जी हम अब उनसे बातचीत शुरू करेंगे। आप डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को सुनिएगा। मेरा प्रणाम है उनसे जी जी। और स्वागत है आपका त्रिपाठी जी का जी। ठीक है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, अभी अनिल मिश्रा जो सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष हैं उन्नाव के, बड़ी एक अनोखी बात बता रहे थे कि इस किसान आंदोलन के दौर में, इसके बीच में भी उन्नाव में 100 किसानों से धान खरीदा गया, और वो सरकारी खरीद केंद्र पे नहीं खरीदा गया, वो एक बिचौलिए के माध्यम से एक राइस मिल द्वारा खरीदा गया, और उस राइस मिल ने भुगतान ही नहीं किया, और 100 किसानों ने उन्नाव जिला मुख्यालय पे धरना किया, और धरना करने के बाद भी किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। तब अनिल जी ने उसमें एक पहल ली है और वहां के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि आप 6 तारीख तक इसका कोई निराकरण कीजिए। असल में अनिल जी की पत्नी का निधन हो गया है, इधर आप देख रहे हैं कि उन्होंने सिर मुड़वाया हुआ है, और 7 तारीख को 13वीं है, तो 7 तारीख को 13वीं होने के बाद अनिल जी ने तय किया है कि अगर किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वो वहां पे एक अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। तो ये बस मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि आंदोलन के दौरान भी भुगतान नहीं होगा। तो अब मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को औपचारिक रूप से आमंत्रित करूंगा आज के सत्र के लिए, और ऐसा हमने तय किया है कि हम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के ज्ञान का लाभ लेना चाहेंगे। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान कानून जब पारित हुए तो उसके ऊपर सवाल खड़े किए थे, और मतलब जब बिल के रूप में लाए गए तब इन्होंने सवाल खड़े किए, और पहले तो बहुत सारे किसान संगठनों ने, जिसमें राकेश टिकैत जी भी शामिल हैं, इन्होंने किसान जो ये कानून आए हैं इनका समर्थन कर दिया था, लेकिन जब डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने इसकी हकीकत पूरे देश के सामने रखी तब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगा कि ये कानून तो गड़बड़ है। तो आज का सत्र हमने सिर्फ इसलिए रखा है, और इसमें सिर्फ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ही बोलेंगे, एक एक करके वो बताएंगे कि जो तीनों कानून है उसमें क्या गड़बड़ी है किसानों की दृष्टि से। कॉरपोरेट के लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सरकार कह रही है, कल भी पीयूष गोयल का बयान छपा है अखबार में, कि ये कानून किसान की आय बढ़ाने के लिए बनाए गए, और हमारे अनिल मिश्रा जी कहते हैं कि किसान की तो आय बढ़ी नहीं रही है, बाकी सबकी आय बढ़ रही है, तो ये इन कानूनों से क्या होगा और इसमें क्या गड़बड़ियां हैं ये डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बताएंगे। तो अब डॉक्टर त्रिपाठी आपका स्वागत है, और आप एक एक करके तीनों कानूनों को ले और जरा हमें विस्तार से बताएं कि उसमें क्या कमियां हैं। बीच में कोई अगर बात अस्पष्ट होगी तो मैं या कोई भी जो इसमें शामिल है वो आपसे उंगली उठा के आपसे सवाल पूछेंगे। तो ये हमारे आज इसका तरीका रहेगा सत्र का। डॉक्टर त्रिपाठी अपनी बात रखेंगे एक एक करके तीनों कानूनों पे, 1 घंटे का करीब सत्र होगा, और अगर किसी को भी कोई सवाल है तो वो अपनी उंगली खड़ी कर देगा और फिर उसका सवाल ले लिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी, आपका माइक। आदरणीय पंडित जी, आपको नमस्कार, और जो भी जुड़े हुए हैं सबको नमस्ते। मेरा एक सुझाव है कि बीच में टोकने के बजाय एक बार हो जाने दें, उसके बाद सभी अपने बारी बारी से सवाल पूछें। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा ही करें। आप पहले अपनी बात रखिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी, आप सबको नमस्कार। इन तीनों कानूनों को के बारे में हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, और कई चीजें इसके बारे में जो कही जाती हैं, हम वहां से शुरुआत करेंगे। कानून पे आने के पहले पहले से कहा जाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीति के लोग इसमें आए, जबकि ऐसा नहीं है। और ये कहा जाता है कि हमने किसानों से बातचीत किया, मैं प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ बताते हुए चलूंगा। जब ये 5 जून को बिल के रूप में आए, 5 जून को, तो हमने जैसे ही पता चला हमने इसे पढ़ा और 7 जून को लिख के भेजा कि यह कानून जो है कॉर्पोरेट के पक्ष में गढ़ा हुआ है। तो यह है इंडिया न्यूज स्ट्रीम का वो लेटर जिसमें 7 जून का मैं चाहूंगा, इसको चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा। इसमें 7 जून का है जिसमें हेडिंग ही है कि द
All Indian Farmers Association AIFA has strongly opposed the three ordinances passed by the central government on the agriculture. और रिफॉर्म्स के बारे में बारी बारी से क्या क्या इसमें कमियां हैं. तो ये सवाल 7 जून का था और 9 जून को ये पब्लिश हुआ है. ये देखेंगे लाल घेरा में है 9 जून. 9 जून को ये पब्लिश हुआ और इसके बाद कोई पार्टी इसमें तब नहीं आई हुई थी. 11 जून को पायोनियर में ये छपा. इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक मीटिंग बुलाई है हमने किसान नेताओं की. इसमें टिकैत जी की भी फोटो है, पंजाब के ट्रिंड हैं, कृष्णवीर चौधरी हैं, जयपाल रेड्डी हैं दक्षिण भारत के बड़े किसान नेता, ये सारे के सारे साग सब्जी ग्रोवर एसोसिएशन के श्रीराम गाड़वे हैं, ये सारे लोग थे यहाँ. मैंने बताया कि भाई ये समस्या है इन कानूनों में. वास्तव में जैसा कहा जा रहा है और फुल पेज विज्ञापन आ रहे हैं कि ये एक देश एक बाजार, ऐसा कुछ नहीं है. तो 52 यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 52 किसान संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की. ये 11 जून का. इसके साथ ही यह एक संपादकीय आया 11 जून को ही एक राष्ट्रीय उसमें कि ये बिलों के बारे में है कि वास्तव में बिल हमारा 11 जून की बात कर रहे हैं, गुरुवार 11 जून 2020 को किसानों को नहीं कारपोरेट को मिलेगा कृषि सुधारों का अधिनियम, बता रहे हैं राजा राम त्रिपाठी बारी बारी से. अब इसके बाद जो कहते हैं कि हमने किसानों से बात की, ये जून 15 का है. फार्मर बॉडीज डिमांड नेशनल डिबेट ऑन एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस. हम लोगों ने कहा कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए आपकी इन ऑर्डिनेंसेस पे, लेकिन इनको तो ऑर्डिनेंस पे डिबेट करवाना ही नहीं था. इन्होंने जब संसद में नहीं करवाई तो कि हमारे जैसे किसान संगठन जो बेहद साधन विहीन है और देखा जाए तो बहुत ही ढीले ढाले संगठन है हम लोग, और आप पगड़ी के लिए आपस में लड़ते रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों के छोटे छोटे उनके लाभों के लिए उनकी जूठन पे ज्यादातर पलते रहे हैं. बोलने में सुनने में बड़ा बुरा लगता है लेकिन भारतीय किसान संगठन की स्थिति पहले काफी समय तक कमोबेश यही रही है. और किसी को बुरा लग सकता है पर हकीकत यही है. बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमते रहे हैं छोटे छोटे किसान नेता कि कोई सरपंच प्रधानी जनपद बीडीसी वगैरह बन जाए. अब इसके बाद देखिए 11 जून का एक और है कृषि अधिनियमों कृषि सुधारों से किसान भयभीत. ये तब की बात कर रहे हैं जब कोई पार्टी नहीं आई थी, कहीं कोई बात नहीं थी, यानी हवा में बात नहीं हुई. ये इसके पीछे तथ्य था. अब तथ्यों पे आते हैं. तथ्यों पे आने के पहले ये समझे कि तीनों बिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं. जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक इन तीनों बिलों को नहीं समझ पाएंगे कि क्यों लाए गए, तीन बिल ही क्यों लाए गए और क्या इनमें आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, आंतरिक संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, यह समझना जरूरी है. मैं पहले बिल पे आ जाता हूं जो कि इनका कहना है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, वो जो कानून बना संसद से पारित होके. मेरे पास हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद नहीं है तो मैं उसकी मूल चीजें बता दे रहा हूं. इसमें जो एक बात कही जाती है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और इसमें लबोलुभाव ये है कि मंडी क्षेत्र के बाहर कहीं पर भी फर्म कंपनी व्यक्ति कोई भी जिसके पास भारत सरकार के आयकर विभाग का आय का परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, वह खरीद सकता है किसानों की उपज को. पहली चीज भंडारण, इसके बाद चूंकि खरीदेगा तो भंडारण कहाँ करेगा, उसके लिए भंडारण एक्ट बनाया हुआ है. और इसको समझने के लिए ये समझे कि वास्तव में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले आएगा और बाद में आएगा मंडी एक्ट. पहले उपज आएगी, ये कंपनियां किसानों से खेती करेंगे, मिलकर खेती करेंगी, उसके बाद उस बेचा कहाँ जाए. तो ये कंपनियां बेचने के लिए मंडियों की जहमत में न जाए, सरकार के विजिल के अंदर न रहे, सरकार के नियमों कानून का बोझ न रहे, अपने मनमर्जी से कर सके, इसके लिए इन्होंने मंडी कानून लाया. तो इन्होंने इस कानून में व्यक्ति से तात्पर्य में अगर हम ले आए अध्याय एक में, व्यक्ति भागीदारी फर्म कंपनी सीमित दायित्व वाली भागीदारी जो है वो फर्म, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई सोसाइटी अथवा निकाय अथवा एफपीओ, सभी इसमें आ जाएंगे. जो केंद्र के इसमें समझेगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, ये सारी खरीदी वही कर पाएगा. राज्य सरकार में पंजीकृत अगर कोई सोसाइटी है, कोई
फर्म है या कोई इकाई है या कोई गुमास्ता एक्ट के तहत कोई फर्म है, कोई कंपनी है, राज्य सरकार के तहत भी गुमास्ता एक्ट के तहत भी व्यापार करते हैं, वो कोई भी किसानों की उपज को नहीं खरीद पाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो अध्याय एक के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है ज बिंदु क्रमांक दो के ज में, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि विहित से ये जो छह कैटेगरी दी गई सहकारी सोसाइटी की कंपनी वगैरह, विहित से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और अनुसूचित कृषक उपज विनियम के लिए किसी राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेत है। यानी कि जो भी उपज अभी तक किसी भी कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत बेची खरीदी जाती थी, यानी एपीएमसी में जितनी भी चीजें बेची जा सकती थी वो सारी उपज इसमें आएगी। अब यहाँ पे इसी में थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं झ के बाद हम अंग पे जाते हैं तो व्यापार क्षेत्र क्या रहेगा। व्यापार क्षेत्र कह रहे हैं का फार्म गेट, यानी जो कंपनी है वह हमारे खेतों के फार्म गेट पे भी खरीद सकती है। कारखाना परिसर, यानी उसका जो कारखाना है वहां पे भी खरीद सकती है, किसान वहां ले जाके बेचे। वो भंडार गृह यानी उसका जो गोदाम है वहां पे भी बेचे। खत्ती यानी जहां पे भी खत्ती हम समझते हैं खेत, जहां छल्ली लगा के खुले एरिया में भी खत्ती पे हम लोग भंडारण करते हैं। शीता गृह जहां पे कोल्ड स्टोरेज है वहां पे, अथवा अन्य कोई भी ढांचा या स्थान। कहने का मतलब ये सारी चीजों में मंडी नहीं आती है। अब इसके बाद हर वो जगह जहां कोई भी कंपनी या व्यापारी खरीदना चाहेगा वो सारी जगह मंडी के सीमा में आ गई, मंडी की सीमा में आ गई, मतलब वो सारा का सारा इस कानून की सीमा में आ गई इसके बेचने के लिए, कृषि उपज को बेचने के लिए। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान जो उत्पादन संग्रहण और संकलन हेतु अभिप्रेत हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में कृषि उपज का भारत के राज्य में कहीं से भी व्यापार किया जा सकेगा। केवल किंतु करके इन्होंने बहुत सारी चीजें डाली है, का एक दो तीन अगर देखेंगे तो इन्होंने व्यापारी वगैरह की परिभाषा दी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो तत्काल जान निकाल रही मंडी का, उसे अगर हम समझे तो अगर इंग्लिश में समझने चाहेंगे तो कंडिका क्रमांक 6 में दिखा हुआ है सेफ को लेके, मैंने उसको नोट किया है कहीं से। नो मार्केट फीस आर सेस और लेवी बाय व्हाट यूर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ शेल बी लेवीड ऑन एनी फार्मर और ट्रेडर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस इन ट्रेड एरिया। यानी सीधे सीधे राज्य सरकार की एपीएमसी अथवा उसके अधीन कोई भी संस्था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की हो, जैसे कुछ जगह राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वो कोई भी इस पे काम, इस व्यापार में कोई भी सेस अथवा लेवी नहीं कर पाएंगी, कोई भी टैक्स नहीं ले पाएंगी और कोई भी लेवी में, लेवी और सेस दोनों में भागीदारी उनकी नहीं रहेगी। और इसमें एक इसी कानून में एक ये है कि अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो 9 के अंतर्गत ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट आते हैं तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो मार्ग दिखाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके अगर कोई डिस्प्यूट आता है मंडी को लेके दोनों के बीच में, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वह मान्य होगा, यह स्पष्ट किया गया है। ये मोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, यदि आप मंडी के बाहर की खरीदी में कोई टैक्स नहीं लगता है तो कौन बेवकूफ होगा जो मंडी में जाके टैक्स देके खरीदेगा। तो सीधी सी बात है कि जो खरीदी है वो मंडी के बाहर ही प्राय किसान भी लेके जाएंगे, और फार्म के गेट पे अगर खरीदी होती है या कारखाने पे खरीदी होगी। लेकिन यहाँ इस पूरे के पूरे में कानून में जो कहीं पर भी मूल्य के बारे में नहीं दिया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र तक नहीं है कि ये जो खरीदी होगी इसका मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, अथवा कई जगह राज्य सरकारों ने भी मूल्य तय किए हैं साग सब्जी कई जींस का, जैसे केरल सरकार ने किया है, या उसके तहत खरीदा जाएगा,
किसी भी कानून के तहत मूल्य को लेके यह कानून नहीं कहता है कुछ भी। तो यह जो यह सबसे बड़ी चीज है कि अगर टैक्स नहीं मिलेगा मंडी को और मंडी से बाहर खरीदी जाएगी तो मंडी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और इसके तहत इन्होंने एफसीआई को बड़ा धक्का पहुंचता है, क्योंकि अगर सारे के सारे गोदाम पे माल इनके प्राइवेट व्यापारियों को चले जाते हैं तो एफसीआई जो खरीदी करती है मंडी और मंडी से लेके जाती है तो निश्चित रूप से वह प्रक्रिया बाधित होगी। हालांकि अभी पंजाब में जो कह रहे हैं कि एफसीआई खरीदेगी और सीधा उनके खातों में देगी और मंडियों के जरिए खरीदेगी और व्यवस्था भी वर्तमान में वही चलेगी, तो यह मेरा मानना है यह कानून लागू होने के बाद यह व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मंडियों को एक पैसा टैक्स लेने का अधिकार नहीं रहेगा और मंडियों से बाहर जो खरीदी होगी उसमें कोई राज्य सरकार में किसी व्यापारी को किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये भी लिखा है कि राज्य सरकार के जो पंजीकृत व्यापारी हैं या समितियां हैं उनको खरीदी बिक्री का अधिकार इसमें नहीं होगा इस कानून के अंतर्गत, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें पेज क्रमांक 4, खंडिका क्रमांक 3, खंडिका क्रमांक 2, पेज क्रमांक 8, अध्याय 5 और खंडिका क्रमांक 14, ये कई चीजें हैं जो काफी दिक्कत करती है। जैसे कि इस अधिनियम के उपबंध किसी राज्य कृषि उपज विपणन समिति या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखित में अंतर्दृष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। यानी यह अधिनियम के उपबंध राज्य एपीएमसी के से अगर अलग है या कोई भी और कानून राज्य सरकार ने पारित किया है तो बावजूद उसके होते हुए भी यह उस पे प्रभावी होंगे। ये बिंदु क्रमांक 14 है, 14th अध्याय 5 यह लिखा हुआ है। तो जो मैं कह रहा था कि ओवरलैपिंग और इसी का 15वां नंबर है कि किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। जो मैं बार बार कहता हूं कि मंडी एक्ट, ये थोड़ा सा एक बार फिर से त्रिपाठी जी बता दीजिए। हाँ, माननीय त्रिपाठी जी, बता रहा हूं, आपने बताया है जी, मंडी का जो अधिनियम है उसके अध्याय 5 का 14 और 15वां बिंदु देखेंगे तो 14वां तो खतरनाक है ही कि जब एपीएमसी या राज्य सरकार के कृषि जो कानून है ठीक है उनमें कोई बात कही गई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। लेकिन आगे आएंगे हम इसमें। पहली चीज तो इसमें हम इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई भी वाद या अभियोजन लाया जाता है केंद्र के द्वारा सरकार के ऊपर या राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर, इसी में आगे आएंगे, तो ये दिया है कि वहां पे केंद्र सरकार का जो अधिनियम है वही ओवरलैप करेगा, वही मान्य होगा विवाद की स्थिति में। इसमें हम 15वें नंबर पढ़ रहे हैं अध्याय 5 का कि किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और निपटार किया जा सकता है कोई भी वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। पहले भी कहा गया है कि ये जो है एक जो इसमें अगर कोई दिक्कत आती है कुछ भी आती है तो सिविल कोर्ट में जाने की जो हमारे एक रास्ता था तो सिविल कोर्ट में आप इसमें नहीं जा पाएंगे। स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी सिविल न्यायालय को इसके संबंधित कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। और ये मोटा मोटी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि टैक्स ही नहीं मिलेगा मंडी को तो मंडियां बचेंगी कहां, जबकि 7,000 मंडियां हैं और 45,000 मंडियों की हमें आवश्यकता है और हर 50 से 60 किलोमीटर पे मंडी की बात की गई थी। कई बार हमारी कमेटियों ने अनुशंसा की है
कि मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए और 40 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, होना तो 5 किलोमीटर के क्षेत्र में चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर 45,000 मंडियां होती तो ज्यादा ये विपणन में जो किसानों को सुविधा मिलती वो मिलती। मैं इसके बारे में एक बार कहता हूं कि यह जो कानून है इसके बारे में मेरा कहना रहता है कि इसमें शोषण जरूर होता था मंडियों में, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन वहां अगर किसान की उंगली कटती थी तो यह जो आपका तथाकथित कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण जो कि विधेयक आया हुआ है, यह सीधा सीधा बड़े व्यापारियों के गोदाम में, कारखाने पे और उन जहां भी वो चाहें वहां वो सबको मंडी का दर्जा देता है, वहां वो खरीद सकते हैं, और यहां अगर उंगली कटती थी तो वहां किसान की गर्दन भी कटेगी, तो किसान वहां कुछ नहीं कर सकता है। अब मैं आता हूं वास्तव में जिसे पहले चर्चा किया जाना चाहिए था, क्योंकि मंडी तो बाद में आएगी जब कुछ उपजेगा। ये मंडी खोला क्यों जा रहा है? ये फार्म गेट, किसान के फार्म गेट से लेके फैक्ट्री के फार्म गेट हर जगह पे विपणन के लिए क्यों खोला जा रहा है? किसकी सुविधा के लिए खोला जा रहा है? क्या किसान के लिए? जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उपजेगा उसके लिए लाया गया है वास्तव में। और इससे अंदाज लगता है कि सारी मंडी अगर खत्म करने की बात सोची जा रही है तो ये सोचा जा रहा है कि सारी की सारी खेती अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ही आए। और इसको इस ढंग से समझें कि जैसे कि बार बार कहा जाता है कि ये लाया ही क्यों जा रहा है, इससे क्या फायदा है? वास्तव में कृषि आदान का जो खाद बीज दवाई का जो व्यापार है लगभग 40 लाख करोड़ का माना जाता है, 40 लाख करोड़ का सालाना, सारे अगर इसमें खाद बीज दवाई डीजल सबको जोड़ दिया जाए। और इस पर ये जो बड़ी कंपनियां हैं निश्चित रूप से चाहती हैं उनका एकाधिकार हो। तो अगर ये जो कहा जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आया है आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो विकल्प है, लेकिन कैसा विकल्प है जरा इस ढंग से समझें कि यदि किसान के पास तो पैसे नहीं है, वो कोऑपरेटिव से ले रहा है, हम देख रहे हैं कि 86-87% किसान जो है केवल कर्जा लेके ही खेती करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेता है या टिनी बैंक से लेता है अथवा साहूकारों से लेता है या दुकानदारों से खाद बीज दवाई कर्जे में लेता है, फसल आती है तो वापस करता है, तो लिक्विडिटी का क्राइसिस रहता है किसान के पास, एक फसल आई या ज्यादा ज्यादा कोई किसान दो फसल ले पाते हैं। तो अगर इस कानून के तहत हम जब पढ़ेंगे कि खाद बीज दवाई या स्पॉन्सर्ड जो कंपनी है वो उपलब्ध कराएगी, यानी खाद बीज दवाई के व्यापार में एकाधिकार हुआ वो लाई खाद बीज दवाई। और जरा कल्पना करें किसी गांव में अगर कोई कंपनी आती है कहती है कि आप गेहूं उगा रहे हो, मक्का उगा रहे हो, जो जो यहाँ उगाया जा सकता है ये सबका खाद बीज दवाई और यहां तक जुताई के लिए पैसे भी हम देंगे। मेरा मानना है कि 90% किसान जिनके पास पैसे नहीं है कौन इस प्रलोभन से बचेगा, कौन इस कंपनी से बचेगा? हर कोई तैयार होगा जब टेंट से पैसा नहीं लग रहा है और वो कह रही है कि हम आपका माल भी खरीद लेंगे, तो जहां जहां ये चाहेंगे वहां वहां जितना एरिया में चाहेंगे किसान बिल्कुल टूट पड़ेगा इन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मेरा ये अनुभव है, मैंने देखा हुआ है, मैं आगे बताऊंगा कि जहां जहां पे हुआ है प्रैक्टिकल जो मेरे अनुभव है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो हम बिल पे आते हैं। इसका जो है मैं एक बड़ा अच्छा लेख अभी लिखा हूं एक हफ्ता पहले, केवल इसके नाम पे, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं इसके नाम के बारे में बताता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण इतने अच्छे शब्द हैं, वास्तव में ना इसमें कृषक का सशक्तिकरण है ना संरक्षण, और कीमत का आश्वासन तो कहीं है ही नहीं इसमें, ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है, पूरी तरह से कंपनी के हाथ में छोड़ दिया गया है। जब इस कानून को हम पढ़ेंगे तो आगे आएंगे। और कृषि सेवा पर करार, जहां कृषि सेवा शब्द है उसमें मुझे घोर आपत्ति, अभी तक किसान जो खेती अपने जमीन पे करता था वो किसान का दर्जा था उसका, और यहां पर उसको अभी कानून को पढ़ेंगे कि वो कृषि सेवा प्रदाता का दर्जा दिया जा रहा है, किसान का दर्जा ही हट गया उसमें, किसान तो अब वो कंपनी जो खेती करवा रही है वो करवा रही है, किसान जो है वो सेवा दे रहा है, उसके उपज कर रहा है उस जमीन पे, कॉन्ट्रैक्ट वाली जमीन पर अपनी सर्विस दे रहा है, यानी ये सर्विस टैक्स के दायरे में देर सवेर निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि सेवा प्रदाता की कैटेगरी
में बकायदा इसको डिफाइन किया गया है, बकायदा परिभाषित किया गया है। मैं आगे आऊंगा। तो कृषि सेवा पर करार, वास्तव में इसमें कहीं पर भी व्यापारी शब्द या कंपनी शब्द इस अधिनियम में नहीं लिखा गया है। ये जिस तरह से जहर के ऊपर अमृत का लेवल लगा दे, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। अब इसमें हम आते हैं अध्याय एक पे आ जाते हैं। अध्याय एक में ये करीब 9 पेज का है, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें ले रहा हूं। अध्याय एक में बिंदु क्रमांक झ और ज है, इसमें लिखा गया है कि अनिवार्य बाध्यता, समझिएगा, अनिवार्य बाध्यता से अकल्पित वाह्य घटना प्रेत है जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग, महामारी, कीटनाशक जीव, ऐसी अन्य घटनाएं जो अपरिहार्य हैं, कृषि करार करने वाले पक्षकारों के नियंत्रण के परे है। अनिवार्य बाध्यता की स्थिति में, यानी मेरा सवाल है कि अगर फसल बर्बाद हुई, लाख टके का सवाल है कि जहां बाढ़ आती है इस देश में हमेशा, सूखा पड़ता है, टिड्डी दल आते हैं, कभी पानी कम होता है, कभी जाता होता है, किसी भी हालत में अगर फसल चौपट हुई तो किसान तो अपना साल भर सपरिवार मेहनत किया वहां पे, और उसकी जमीन जो खुद उस पे उगाता था कई तरह की सब्जियां, अलग अलग चीजें, फसलें, अब वो सब विविधता समाप्त हो गई, कोई एक फसल लगा के बैठा है, और अगर वो चौपट हो गई तब क्या होगा। तो ये कानून क्या कहता है, हम कोई प्रिजम्पशन नहीं कर रहे हैं, कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं, कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि अनिवार्य बाध्यता अगर आएगी तो उसमें देखना बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग की महामारी, कीटनाशक, ऐसी बातें हैं जो अपरिहार्य है, उन स्थिति में क्या होगा, उन स्थिति में क्या होगा वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अनिवार्य बाध्यता में जिन चीजों को छोड़ दिया गया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद, बीज, दवाई, इसमें क्लियर लिखा गया है प्रायोजक कंपनी आदान उपलब्ध कराएगी। तो अंकुरण अगर नहीं हुआ, बीज, इन्होंने बीज उपलब्ध कराया और अंकुरण नहीं हुआ, वो अनिवार्य बाध्यता में नहीं, उसकी अगर हानि हुई वो अनिवार्य बाध्यता में नहीं है। उत्पादन नहीं हुआ, देखो फायदा किन किन चीजों पर रहता है, अगर उगा ही नहीं तो उत्पादन नहीं हुआ, आपका बीज खराब था, आपकी जो दवाइयां हैं वो असरहीन साबित हुई, कोई बीमारी आई, आपने जो दिया दवाई ने काम नहीं किया, हानि हो गई। और गुणवत्ता, गुणवत्ता बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, गेहूं के दाने छोटे हैं, इसके नाम पे सैकड़ों किसान होशंगाबाद जिले में, विदिशा जिले में, जहां एक बड़ी कंपनी ने अभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, अब वो चक्कर काट रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ काफी अभी किसान संगठनों के दबाव में कुछ थोड़ा बहुत खरीदा है, नहीं तो उन्होंने कहा नहीं, गेहूं के दाने छोटे हैं, क्योंकि सस्ती कीमत पे उनको अन्यत्र मिल रहा था, तो बैकआउट कर गई वो, उनको मुनाफा कमाना है। ये बात को हम समझे कि कंपनियां केवल मुनाफा कमाने आई हैं, केवल और केवल मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य है, भारतीय कृषि की दशा का उद्धार करना नहीं है, इसलिए हमको किसानों के हित की चिंता करनी ही पड़ेगी। तो अंकुरण, उत्पादन और गुणवत्ता, ये तीन बिंदुओं से हुई हानि का कहीं इसमें उल्लेख नहीं है, और ये हमेशा ये चीजें आती हैं। अब इसके बाद कहा जाता है कि करार कौन करेगा, व्यक्ति, व्यक्ति, भागीदारी फर्म, कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी, कोई सहकारी सोसाइटी, और कोई जो हमेशा ये बार बार कहते हैं कि ये 5-6 या कोई ग्रुप जो केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो कोई भी टाई अप कर सकते हैं किसानों से। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि ये जो किसानों से कॉन्टेक्ट करेंगे उनके लिए कोई मापदंड तय है, क्या कंपनी का टर्नओवर देखा जाएगा। आप छोटे छोटे कामों में जब सरकार में कोई भी काम आता है तो जो भी उसके साथ जुड़ता है, आप कहते हैं 3 साल का अनुभव होना चाहिए, इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए, इतनी आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, इतनी सॉल्वेंसी होनी चाहिए। आप हजारों एकड़, लाखों एकड़ पे किसान से टाई अप कर लें, आपके पास खरीदने के लिए पैसा है या नहीं हमें नहीं मालूम, और कल को आप बेकआउट कर जाए तो आपके लिए, इनके लिए कहीं पर भी कोई इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि कंपनी का जो है मापदंड क्या है, कब स्थापित हुई, भुगतान में सक्षम है अथवा नहीं, ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, कहीं कोई क्राइटेरिया। इस कानून के तहत हमारे देश में कानून में बारीकी निकाल ली जाती है, कोई भी कंपनी आए अपने आप को दिवालियाबाद में घोषित कर दे, 10,000 एकड़ में लगवा ले, 20,000 में, फायदा आ रहा है तब तो ठीक है, फायदा कमा ले, और यदि नहीं आ रहा है देखा तो बेकआउट कर लिया। तो ये उनके लिए जो सेफ स्केप है, जैसे कि हम देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे लोग
कितने हजारों करोड़ लेके चले गए, कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये हमारा जो डर है ये जायज डर है, क्योंकि आपने इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया है, कहीं लिखते कि भाई कंपनियों जो सक्षम कंपनियां हैं और उनके ये पैरामीटर्स होंगे वही किसानों से कर पाएंगे। जी नहीं, आपने बिल्कुल उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। अब आते हैं आपके कृषि करार में अध्याय दो में। इसमें कई बिंदुओं पे घंटों बहस किया जा सकता है, लेकिन हम कुछ बिंदुओं में डाल रहे हैं। खाबे कृषि सेवाओं की पूर्ति से संबंध और क्वालिटी श्रेणी मानक कीमत, इनके मामले में भी हम आएंगे कि इसमें क्या क्या चीज कहा गया है। ये बिंदु क्रमांक खा में कहते हैं कि ऐसी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी विधिक अपेक्षा की अनुपालना का उत्तरदायित्व यथास्थिति, यहां गौर करिएगा, एक यथास्थिति जो शब्द है, प्रायोजक या कृषि सेवा प्रदाता का होगा। यह यथास्थिति निर्धारित कौन करेगा, इसके बारे में कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक अपेक्षा, जो विधिक अपेक्षाएं हैं, इसका उत्तरदायित्व किसका होगा, प्रायोजक का होगा या कृषि सेवा प्रदाता का होगा। यह कृषि सेवा प्रदाता का भी हो जाएगा ये दायित्व, और यथास्थिति उत्तरदायित्व, इसका फायदा कंपनियों को मिलेगा, इसलिए यथास्थिति रखा गया है। निश्चित रूप से कृषि सेवा प्रदाता को इस इन सारी चीजों में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसका स्पष्टीकरण भी आगे दिया गया है। इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाई काश्तकार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं किया जाएगा। यहाँ बहुत अच्छे से उपधारा के प्रयोजनों के लिए बटाई काश्तकार पद के लिए कृषि भूमि को जोतने वाला उसका अधिभोगी अभिप्रेत है। कृषि यहाँ पे जो बटाईदार के लिए हम बार बार कहते हैं कि बटाईदार का जो अधिकार है उसका अल्पीकरण में नहीं होगा। कृषक जो है, किसान जो है, उसके साथ जो कृषि करार करके खेती करवा रहा है, उसके अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बड़े अच्छे शब्द में किया गया है कि जो आपके जमीन पे कृषक खेती करवा रहा है उसको बटाईदार काश्तकार के रूप में अगर हम परिभाषित करेंगे, और इस धारा के अधीन किसी कृषक के द्वारा कोई भी कृषि करार ऐसा नहीं होगा जो किसी बटाईदार के अधिकार के अल्पीकरण के लिए इसका उपयोग करें, इस धारा का उपयोग उसके लिए नहीं किया जा सकता, और उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसी में बटाईदार की जो हम बात कर रहे हैं कृषि करार में, इसी में कहा जा रहा है कि कृषि करार के द्वारा बिंदु क्रमांक चार में कई बिंदु हैं, और ये चार जो है पॉइंट नंबर 4 अध्याय क्रमांक 2 का बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका पहला एक है कि कृषि करार करने वाले पक्षकार ऐसे करार की अनुपालना के पालन के लिए शर्त के रूप में कृषि उत्पाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी श्रेणी और मानक अभिनिश्चित और अपेक्षित करा सकेगी। अब यहां पे आता है कि कौन तय करेगा इसको, स्वीकार्य क्वालिटी श्रेणी और मानक अभिनिश्चित अपेक्षित कौन करेगा इसको? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जब मान लीजिए कि मार्केट में सस्ता हो गया, किसी अन्य कारण से कंपनी खरीदना ना चाहे, तो क्वालिटी के बेस पे वो रिजेक्ट कर सकती है, श्रेणी के बेस पे रिजेक्ट कर सकती है, स्टैंडर्ड्स के बेस पे, लेकिन ये स्टैंडर्ड कौन तय करेगा इसके अनुरूप? तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर बीज के लिए उगा रहे हैं, तो बीज के लिए अगर है तो ऐसी क्वालिटी श्रेणी मानक या कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि नाशक द्विमार, अवशिष्ट पदार्थ, खाद्य सुरक्षा मानक, अच्छी कृषि पद्धति यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तथा श्रमिक तथा सामाजिक विकास मानकों के लिए क्वालिटी श्रेणी और मानक कृषि करार में अंगीकृत किया जाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ है बता रहा हूं। अच्छी कृषि पद्धति, एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक इंटरनेशनल टर्म है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैविक खेती या सस्टेनेबल खेती या टिकाऊ खेती की बात कही नहीं है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अधीन रासायनिक खाद और दवाइयां जितनी चीजें हो डाली जाएंगी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कहा जाता है। तयशुदा मात्रा, इतना किलो यूरिया, इतना किलो ये, उससे ज्यादा न डालें आप, ये कहने की बात है। तो गुड एग्रीकल्चर को अंगीकृत किया जाएगा, पर बात है नहीं। और
सस्टेनेबल फार्मिंग की तो कहीं बात ही नहीं। अब इसमें आप आते हैं कि कृषि करार करने वाले पक्षकार शर्त के रूप में क्वालिटी पे फिर आ रहा हूं, इसी के बिंदु क्रमांक 4 के उप बिंदु 4 में कृषि करार करने वाले पक्षकार शर्त के रूप में अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसे पारस्परिक रूप से स्वीकार क्वालिटी श्रेणी और मानकों को खेती करने या उगाने की प्रक्रिया के दौरान अथवा परिदान के समय पर पक्षपात रहिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्षकार और हित पारखियों द्वारा मॉनिटर और प्रमाणित किया जाए। अब ये पारखी कौन होगा और कौन मॉनिटर करेगा इसके बारे में कहीं पर कोई संस्था का जिक्र नहीं है। अगर किसी भी आपको रोकना चाहते हैं जी, पीछे हमने बीज उत्पादन कार्यक्रम किया था जी, ये सब एक समाज में खेल है बेवकूफ बनाने की बात है जी, और बीज उत्पादन में एग्रीकल्चर से एक बार मिल पाया था हमें जी, तो वो उन्होंने हमें फाउंडेशन दिया था जी जी, मैं सुन रहा हूं जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज कट रही सर। अनिल जी आपकी आवाज तैयारी है इनकी? जी मैं आ रहा हूँ जी, हम ये कहेंगे कि ये बनियों के हवाले करने की तैयारी है इनकी जी जी जी, मैं वही तो आ रहा इनकी बनियों के हवाले करने की तैयारी है किसान को, और देश की मार्केट को बनिया उठाता है और बनिया गिराता है। होगा ये कि जब ये भंडारण की सीमा खत्म कर रहे हैं और उसमें एक ही बनिया खरीद लेगा पूरे देश का माल, क्योंकि पूंजी पर शासन है, और ये जो शासन बीजेपी है ये भारत का पूंजी पर शासन है, और ये सारे जितने आए ये सारे अधिकतर पूंजी पर शासन बनाते हैं, और उसमें किसान और मजदूर का कहीं स्थान ही नहीं रहेगा, ये होगा। और होगा ये कि मार्केट को शॉर्ट करना बनियों का काम है, और बनिया जब मार्केट में अनिल जी जरा त्रिपाठी जी को बात पूरी कर लें दीजिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि लेगा किसान से तो मार्केट शॉर्ट करेगा। यहाँ पे पांडे जी बिंदु क्रमांक 5 में बार बार घुमा रहा है, कृषि उत्पाद का मूल्य सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याभूत कीमत से ऊपर अथवा अधिक किसी अतिरिक्त रकम के लिए स्पष्ट कीमत निर्देश जिसके अंतर्गत बोनस या प्रीमियम है, ऐसे कीमत निर्देश को विनिर्दिष्ट एपीएमसी यार्ड या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और सम्यवहार प्लेटफॉर्म के उपयुक्त बेंचमार्क कीमतों में विद्यमान कीमतों से जोड़ा जा सके, सब कुछ लिख रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लिख रहा। सब कुछ लिख रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से का कहीं जिक्र नहीं है, या मूल्य कौन तय करेगा उसकी जब बात आती है तो अध्याय 2 के बिंदु क्रमांक 5 के में और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, बिंदु क्रमांक 2 में कि प्रायोजक किसी भी कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करने के पहले ऐसे उत्पाद की कृषि करार में यथा विनिर्दिष्ट क्वालिटी, यहां यही शब्द है यथा विनिर्दिष्ट क्वालिटी, ये जो पहले तय थी क्वालिटी, या किसी अन्य विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा। गौर करिएगा, अगर इतना परसेंट स्टीरियोसाइट का परसेंटेज चाहिए अन्य विशेषता की नहीं है, रिजेक्ट। यथा विनिर्दिष्ट क्वालिटी, इस साइज का चाहिए नहीं है, रिजेक्ट। निरीक्षण कर सकेगा, ठीक है, अन्यथा उसके द्वारा उत्पाद का निरीक्षण किया माना जाएगा। ये बोलता है कि अगर नहीं निरीक्षण करेगा तो मान लो कि निरीक्षण कर लिया, तो भाई क्यों नहीं निरीक्षण करेगा अगर उसको रिजेक्ट करने का है, तो यदि निरीक्षण नहीं करता है तो उसे बुक करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन पहले आपने लिख दिया कि क्वालिटी और अन्य विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा। और बीज के ऊपर में लिखा रहे प्रायोजक जहां बीज उत्पादन से संबंधित है वहां सहमत रकम का 2/3, गौर करना, 2/3 का संदाय परिदान के समय करेगा, यानी जब माल उठाएगा 2/3 देगा, बाकी बाद में देगा। आदमी इसको सोचता है 2/3 तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वहां छोटे शब्दों में लिखा गया है बीज उत्पादन से संबंधित है ये, और बाकी पैसा जो है सम्यक प्रमाणीकरण के बाद। सम्यक प्रमाणीकरण बड़ा खतरनाक है, जब सम्यक प्रमाणीकरण होगा उसके बाद फिर परिदान के 30 दिन के उपरांत प्राप्त होगा।
और उसके बाद अन्य मामलों में लिखा है खा में, इसी में बिंदु अध्याय दो के बिंदु क्रमांक तीन में लिखाता है ख में, अन्य मामलों में सहमत रकम का संदाय। सहमत रकम जो है ये आपके दम घोट देती है, ठीक है, कि अब उसने जो भी आपका मूल्य लगाया कि आपका क्वालिटी ये है और इतने पे मैं लूंगा, अगर आप उससे सहमत होते हैं तो ठीक है। सहमत रकम का संदाय कृषि उत्पाद या न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बात नहीं है, संदाय कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करना होगा और विक्रय उत्पादों सहित प्राप्ति पर्ची जारी करेगा, समझ गए, पर्ची जारी करेगा, भुगतान नहीं करेगा। इसमें यह है कि जब उसको वापस भुगतान मिल जाएगा तब वो देगा पेमेंट, ये जो मैं बता रहा हूं इसको बात को समझेंगे। पर्ची जारी करेगा, अन्य मामलों में सहमत रकम का संदाय कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करते समय करेगा और विक्रय उत्पादों के ब्यौरे सहित प्राप्ति पर्ची जारी करेगा, और इसके बाद वो उसको जहां बेचा है जब वहां से उसको पैसा मिलेगा तब आपको पेमेंट करेगा। और ये भी ख्याल रखें, इसी के अध्याय दो में ही बिंदु क्रमांक सात में यह कहता है कि किसी उत्पाद के संबंध में कोई करार अगर कर लिए हैं तो ऐसे उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनियोजन के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के जिस भी नाम से ज्ञात हो लागू होने से छूट प्राप्त होगी। राज्य अधिनियम, गौर करना, किसी भी राज्य अधिनियम के चाहे वो जिस भी नाम से ज्ञात हो उससे लागू होने से छूट प्राप्त होगी। जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में कोई करार किया गया है इस कानून के तहत, तो ऐसा जो उत्पाद है ये उत्पाद का विक्रय और क्रय विनियोजन के प्रयोजन से स्थापित राज्य शासन के किसी भी अधिनियम, चाहे वो जिस नाम से भी हो, चाहे एपीएमसी हो या जो इससे भी हो, उससे लागू होने से छूट प्राप्त होगी। बिंदु क्रमांक सात है, जहां की राज्य को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं, जो कि संविधान की जो धारा है उसके ही विपरीत है, धारा 252 के ही विपरीत है। अब आते हैं इसमें जो मैं तीनों गुथे हुए बोलता हूं, ये सात में बिंदु क्रमांक दो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1952 का जिक्र भी यहां बकायदा करता है, क्योंकि उसको तो तोड़ ही रहा है ये। स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी, यहीं भी पढ़ लीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बहुत थोड़ा सा है, केवल 2 मिनट में मैं बता दूंगा, लेकिन गौर करना, करार अधिनियम में अध्याय क्रमांक 2 में बिंदु क्रमांक 7 के बिंदु क्रमानुरूप बिंदु 2 में साफ लिखता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, चाहे कोई भी नियम है, होते हुए भी स्टॉक सीमा से संबंधित कोई भी बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी, ऐसी मात्रा पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है। यानी इस अधीन के इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कितना भी आप खरीदते हो, कितना भी भंडारण करते हो, कोई भी कानून इस पे लागू नहीं होगा 1955 भी। यहाँ पहले ही इन्होंने ये दे दिया है, फिर भी लगा कि क्या पता कोई दिक्कत ना हो जाए तो उसमें भी संशोधन कर दिया। अब आते हैं कि विवादों में समझौता, जो बार बार सब जगह बोलते हैं कि आपने कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद कर दिए साहब, आपने तो पूरा संविधान को ही कई कत्ल कर दिया। तो अध्याय क्रमांक 3 में है विवादों के बारे में, तो विवादों के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं केवल धारा 14 पढ़ता हूँ इसमें, जहां पे बार बार कहते हैं कि ये भाई सुप्रीम कोर्ट का भी वो आदेश मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसानों की जमीन को हम हाथ नहीं लगाए, हम नीलाम नहीं कर रहे हैं। करार में भी लिखा हुआ है कि किसानों की जमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, कृषि भूमि को, गौर करना है कृषि भूमि को। तो मैं ये कहता हूं इसमें कि भाई आपने तो सीधा एफडीएम को और डीएम को दे दिया है कि कोई भी विवाद होगा तो उनके पास जाएगा, और अग्रिम संदाय तथा इनपुट लागत के कारण जो दे रकम की वसूली है वो कृषक के विरुद्ध किया जाएगा। ये तो लिखा हुआ है इसमें कि जो अग्रिम पैसा दिया है या कृषि इनपुट लागत या जो खर्चा किया है खाद बीज दवाई में जो भी वो डाला है तो वो सब पैसा किससे वसूल किया जाएगा, किसान से। कहां पे लिखा है भैया, अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा अध्याय क्रमांक 3 के बिंदु क्रमांक 14 के उपबिंदु क्रमांक उपधारा 2 के तहत के 2 के अगेन 2 के अंतर्गत 2 लिखा गया है, जहां आदेश कृषि करार के निबंधानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत के कारण प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्ड कंपनी को दे रकम की वसूली कृषक के विरुद्ध किया जाना है, प्रायोजक कंपनी द्वारा
उपगत लागत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी। यह भी बोल रहा है कि इसमें बड़े शब्दों का खेल है कि वास्तविक लागत वसूल करेगा ही, साथ में उपगत लागत, उपगत यानी अन्य जो मिशेलियस खर्चा है कि भाई हम आए, हम आपके यहाँ आए, हमारा स्टाफ रहा, ये रहा, उपगत लागत दोनों जो है टोटल आपका खेती में खर्चा 25,000 हुआ तो 25,000 अपना भी खर्चा जोड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25,000 आपका धान का खेती करवाया मैंने, काला धान, उसमें खर्चा हुआ, 25,000 मेरा उपगत लागत हुआ, 50,000 मैं आपसे वसूल करूंगा जनाब, एफडीएम कोर्ट में आपके खिलाफ आएगा। अब ये उत्पादन नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, बीज नहीं उगा वो मैं नहीं जानता, क्वालिटी सही नहीं आई, काला धान नहीं आया, बीमारी लग गई, मैं नहीं जानता, ये तो मैंने मुझे वसूल करना है। अब वसूल कैसे करूंगा? एक तो ये हुआ भैया बीमा करवा दोगे, तो बीमा के बारे में हम जानते हैं कि बीमा कंपनी कोई लुटाने नहीं आई, और बीमा कंपनी जो है जो छाट छूट के देती है, तो इसमें कृषिगत लागत और उपगत लागत तो देगी, फिर इसके खेती के लिए और ऋण भी ले सकता है, और ऋण जो है वो पटेगा इसी के उत्पादन से, और अगर नहीं पटा तो उसको कौन वहन करेगा, उस पर अगेर आएंगे जो हाँ बोलते हैं नहीं बिकेगा, तो किसान का कोई नुकसान नहीं होगा जो बोलते हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि उपगत लागत और ये लागत दोनों वसूली जो है की जाएगी। केवल ये है भैया कि जितना लागत हुआ है और उपगत लागत, ये दोनों मिला के, ये उपगत लागत इनपुट कार्ड से दुगना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वास्तविक लागत से अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। और इस कितना बढ़िया आपको बचाया जा रहा है, 25,000 रुपया खेती की लागत और लगभग उतना ही कंपनी उपगत वास्तविक लागत भी इसमें जोड़ सकती है। और अच्छी चीज ये है कि फिर डीएम क्या नहीं हुआ तो आप एफडीएम क्या नहीं हुआ तो आप डीएम के यहाँ जा सकते हो, 30 दिनों के अंदर निपटारा होगा। हम जानते हैं कि डीएम और एफडीएम के पास कितने कितने पड़े हुए हैं मामले, उनके पास कितना टाइम है, ये हजारों की संख्या में किसानों के पास कहाँ निपटारा हो पाएगा वो हम समझते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बता रहे हैं इसी की बिंदु क्रमांक 7, 14 पॉइंट क्रमांक 14 जो है अध्याय 3 का 7, इसमें यह है कि यथा स्थिति उपखंड अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन संदेह रकम की वसूली किससे होगी, है निश्चित रूप से किसान से जो होगी, वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी। भू राजस्व के बकाया की वसूली कैसे होती है इसी बिंदु को समझे। ये वसूली किस बात की होगी, एक मिनट आपसे साफ करना चाहूंगा, ये वसूली अगर खेती में घाटा होती है, खेती में घाटा होता है ठीक है, अनिवार्य बाध्यता के अलावा, अनिवार्य बाध्यता के अलावा मैंने पहले स्पष्ट किया था, बीज सही नहीं है, खाद सही नहीं है, ये सारा कंपनी आपको देगी, अंकुरण सही नहीं है, प्रोडक्शन सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, तो ये सारे की आप देंगे, और जितनी लागत थी कंपनी ने जितना लगाया है 20,000 लगाया है तो 20,000 उपगत लागत जो उसका कंपनी का खर्चा और भी हुआ है वो भी उसे जोड़ सकती है। हाँ, अगर 20,000 खेती में खर्चा हुआ है तो 22,000 नहीं लेगी कंपनी, 20,000 और जोड़ेगी, यानी 40,000 ही आपसे लेगी। तो अब जब वसूली करेगी तो भू राजस्व के बकाया की तरह करेगी, और इसमें धारा 15 में लिखा गया है कि धारा 14 के तहत अंतर्निविष्ट होते हुए धारा के अधीन किसी भी रकम के वसूली के लिए कृषक की भूमि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध, शब्द नोट करिएगा धारा 15 में, कि धारा 14 के तहत जो भूमि राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी वह वसूली कृषि भूमि के विरुद्ध नहीं की जाएगी। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि कृषि भूमि तो 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए लीज पे लिया हुआ है, उसमें डिप डाला हुआ है, उसमें खेती कर रहा है, तो क्यों चाहेगी प्रायोजक कंपनी के उस लिटिगेशन में फंसे। वो चाहेगी भू राजस्व की वसूली जैसे होती है, आप सब जानते हैं राजस्व की, आपकी चल और अचल संपत्ति, चल और अचल, आपका ट्रैक्टर वो अटैच कर सकता है, आपकी मोटरसाइकिल ले सकता है, आपके जो जमीन जो खेती के अलावा जो आप जिसके आप घर बना के रह रहे हैं, आपका प्लॉट है, आपका घर है, आपका घर भी नीलाम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये कानून पहले से खेती की जमीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं किसान से आपके ले सकते हैं, यही कानून कह रहा है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त बाकी चीजों से वसूल की जाएगी। यही ये सबसे इसकी खतरनाक जो धारा थी जो मैं बता रहा था, और मैं बार बार कहता हूं कि इसमें बीमा कंपनी का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है, रेट का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है, कनेक्टिविटी का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है,
कि क्वालिटी को लेके कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिख रहा है और सबसे बड़ी चीज जो है आपको सेवा प्रदाता बना दे रहा है। और ये चीज की मूल्य जो है आगे जो कंपनियां आपसे माल लेके आगे भेज रही हैं तो वहां से जब प्राप्त होगा तब आप भुगतान करेंगे और उस पे कोई ब्याज वगैरह की बात भी नहीं हो रही है कि भाई अगर डिले होता है तो उसके क्या ब्याज दिया जाएगा। और एक चीज ये भी है कि अगर आप केवल डीएम और एसडीएम की जाने की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई चेक दे दिया आपको, चेक से भुगतान कर दिया, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में सैकड़ों किसानों को चेक दे दिया गया और कंपनी फरार हो गई, अब वो चेक लिए घूम रहे हैं, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्या हम जा सकते हैं? इस तरह की बात भी इसमें नहीं दी गई है। इसमें दिया गया कि अन्य कोई कानून तो लागू नहीं होंगे, जबकि इसमें दिया जाना चाहिए था कि अगर भुगतान लंबित है तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, अगर कोई चेक देता है वो बाउंस होता है तो जो कानून विधि के तहत उसके तहत कार्यवाही करने को किसान जो है उसको छूट रहेगी, नुकसान होता है तो बीमा कंपनी वहन करेगी, प्रायोजक कंपनियां वहन करेंगी, क्योंकि किसान को अगर घाटा हुआ तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जीवन यापन कैसे करेगा, उसकी तो मेहनत भी गई और जमीन भी साथ भर के लिए इंगेज था। इस चीज को हम बार बार करते हैं कि 3-4 एकड़ के छोटे किसान हैं वो घाटा होने पे टोटल मर जाएंगे, क्योंकि उनके तो सवाल प्रॉफिट का नहीं है, सवाल प्रॉफिट की दूर की बात है, जीवन कैसे चलेगा अगले साल। इसमें यह होना चाहिए कि अगर 5 साल के लिए करार किए हो तो कम से कम उसको जीवन यापन के लिए जितना मिलना है उतना तो मिलते रहे। तो आप तो उसे कृषि सेवा प्रदाता का दर्जा दे रहे हैं, सर्विस में डाल रहे हैं, तो क्या वो टीडीएस देगा? क्या क्या आपकी क्या मंशा है? तो उसे उस किसान का दर्जा भी उसे क्यों छीन रहे हैं और जिम्मेदार का दर्जा भी छीन रहे हैं? आप चाहते क्या हो? यह कानून क्या कहना चाहता है वास्तव में बेहद अस्पष्ट है। इसका जो नाम है कृषक सशक्तिकरण, जब आप कृषक को कृषक रखने ही नहीं दे रहे हो तो काहे का सशक्तिकरण, काहे का संरक्षण? उसे तो आगे चल के आप कीमत आश्वासन की बात कर रहे हैं, कीमत का कोई आश्वासन है ही नहीं, नाम ही नहीं है। और कृषि सेवा पर करार, अब कृषि सेवा जब आप कर रहे हो तो कृषक रहा कहां इसमें? अब आते हो आप आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1920, जिसका मेरा मानना है कि किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह किसानों के नाम पे इसको ले आए हो। ये तो अगर किसानों का नाम ना लेके ऐसे ही ले आते तो पूरे देश में बलवा हो सकता था, लेकिन क्या पता क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारा देश हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम अगर पढ़े तो इसमें इन्होंने संशोधन किया है, बहुत छोटा सा 2 या 4 वाक्य में। तो इसका जो धारा क्रमांक 2 है, धारा क्रमांक 2 के बिंदु क्रमांक ख में इन्होंने लिखा है कि स्टॉक की सीमा को अधिरोपित की जाने वाली कार्यवाही कीमत वृद्धि पर आधारित होगी, यानी कीमत बढ़ेगा तभी इस पे कोई कार्रवाई होगी स्टॉक पे, और किसी कृषि उपज के स्टॉकों को सीमित करने के लिए विनियोजन करने का कोई भी आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी किया जाएगा। तो क्या कहता है इसके में बिंदु 1, उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि। उद्यान उत्पाद यानी फल, साग, सब्जी, मसाले, औषधि, सुगंधी, सारी फसलें जो है जो उद्यान की में आती है, प्लांटेशन में आती है, नारियल वगैरह सब, पाम, ये सब के सब, जब तक इनके मूल्य में 100% की वृद्धि न हो जाए, मूल्य दुगुना न हो जाए, तब तक इसके स्टॉक को विनियोजित नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे सेकंड लाइन बिंदु क्रमांक 2, नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थ, यानी कि ये पीछे वाला थोड़ा सा एक बार फिर से साफ करिए, जो फल के उत्पाद की बात है जी उसमें क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं कि आप कितना भी स्टॉक व्यापारी रख सकता है, आलू, प्याज, फल, कितना भी रख सकता है इसे, कितना भी स्टॉक कर सकता है, जब तक कि मूल्य दुगुना ना हो जाए। जब मूल्य दुगुना, मैं पूरा पढ़ लूंगा तो ये समझ में आएगा, मूल्य दुगुना होने पे भी स्टॉक विनियोजित नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो बताऊंगा मैं। इसमें लिखा कि पहले आदमी पढ़ता है कि अच्छा दुगुना, चलो कोई बात नहीं, हम दुगुना पे तो खरीदते ही हैं, नारियल 15 रुपया में किसान को मिलता है, 30 रुपया में हमको मिलता है, मैं उपभोक्ता की नजर से बता रहा हूं। तो जब तक दुगुना कीमत ना हो जाए तब तक उसके स्टॉक मतलब उस जमाखोरी को नहीं रोकेगा। और नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थ जैसे कि दलहन, तिलहन, अनाज, दाल, जितने भी अन्य चीजें हैं आपके अनाज से लेके, वो सबके सब खुदरा मूल्य में जब 50% वृद्धि हो जाएगी, गौर करना खुदरा मूल्य में 50% की जब वृद्धि हो जाएगी, तब तक वो अगर 100 रुपए की अरहर दाल 150 रुपया में बिकने लगेगी, आज अगर 100 रुपया 150 हो जाएगी, तब ये कदम उठाएंगे कि भाई इसको
स्टॉक को विनियोजित किया जाए, लेकिन यहां पे इतना भी आदमी वहन कर देगा, क्योंकि हम इतना उतार चढ़ाव देखते हैं, इतना मुनाफाखोरी तो हर साल देख रहे हैं हम लोग। वास्तव में ये लिख रहे हैं कि परंतु यह स्टॉक की सीमा, आगे बढ़िएगा, परंतु यह स्टॉक की सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा संस्करण की प्रतिष्ठापित समग्र ऊपरी सीमा या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है। यानी अगर कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी वैल्यू चेन पार्टनर कहते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं समझना, इसमें आते हैं प्रसंस्करण करने वाला, चाहे तेल निकाल रहा है, चाहे गुड़ बना रहा है, चाहे शक्कर बना रहा हो, चाहे आलू का चिप्स बना रहा हो, या स्टॉक करने वाला कोल्ड स्टोरेज वाला हो, या एक्सपोर्ट करने वाला, या लॉजिस्टिक, जैसे कि बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, रख भी रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रही, या एक्सपोर्टर, या व्यापारी बड़े कंपनी, ये सारे के सारे जो इससे मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोसेसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, ये लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, वेयर हाउसिंग वाले हैं, ये सारे कौन है, इसके वैल्यू चेन पार्टनर है। यहाँ पे वैल्यू चेन पार्टनर में किसान का जिक्र नहीं इस कानून में, जो मैं खिला ठोक के कहता हूं कि किसान का तो शब्द ही इसमें नहीं है, और ये स्टॉक की सीमा इन वैल्यू चेन पार्टनर पे लागू ही नहीं होती। यानी वो चार गुना भी मुनाफा ले तो पर भी, दस गुना भी ले तो पर भी उसका स्टॉक आप विनियोजित नहीं करेंगे, ये आपने इस कानून में लिखा है। इन बिटवीन लाइन और लाइन दोनों आप पढ़िए, आप उठा के पढ़ लें। स्पष्टीकरण भी दिया गया है, किसी उत्पाद के संबंध में मूल्य श्रृंखला सहभागी से हमारा तात्पर्य है अंतिम उपभोग तक, यानी किस हमारे यहां से निकला और अंतिम उपभोग तक कृषि उत्पाद के उत्पादन के सहभागियों से अभिप्रेत है। गौर करना इस लाइन को, बेहद दुखद है कि अंतिम उपभोग तक, उत्पादन से लेके अंतिम उपभोग तक कृषि उत्पाद के उत्पादन के सहभागियों का विलोचन पार्टनर से हमारा अभिप्राय है, ये अभिप्रेत है कि इसके अंतर्गत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण अंतर्वलित है। वितरण मतलब आपका सुपरमार्केट भी इसमें आएगा, भंडारण, परिवहन और वितरण अंतर्वलित है, सुपरमार्केट भी कितना भी रख सकता है, समझ गए, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है। लेकिन ये इसमें कहीं पर भी किसान शब्द नहीं, इस कानून का किसान को क्या बेनिफिट है, एक लाइन उस पर नहीं लिखा गया है, उसको इससे क्या फायदा होने वाला है वो इसमें मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब जमाखोरी करके रेट अपने हिसाब से तय करेगा तो किसान को अधिक मूल्य क्यों देगा, क्यों देगा भला। तो यह कानून जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1920 वास्तव में देश के मजदूर, आम वर्ग, मध्यम वर्ग सबके लिए हानिकारक है। मैंने बार बार कहता हूं कि इन पे बिंदुवार कभी भी मुझसे कोई बहस कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वर्सन रहेंगे सामने, विधेयक का और जो कानून पारित हुआ है, तो मैं और बेहतर इस पे बता सकता हूं, और बिंदुवार तीनों का एक साथ करने के बजाय एक ही को पकड़े तो ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले ही निरस्त कर दिया गया है 1955 के कानून को। तो ये तीनों कानूनों को इस ढंग से आप समझें कि तीनों कानून आपस में गुथे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत खेती होगी, खेती के बाद उसको खरीदी बिक्री, जो जहां भी जहां खेती कर रहा है वहीं वो खरीद लिया, कोई मंडी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी मंडी, कुछ सरकार किसान संगठन, किसी का कोई रोल नहीं है, वो खरीद लेगा, कुछ भी हुआ तो डीएम के पास, एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम डीएम की बेचारे क्या करेंगे, आप जानते, कुछ बोलेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और बाकी कहीं आप जा नहीं सकते, सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बचा क्या, तो आपके सारे रास्ते बंद है। अब ये आप समझ लीजिए, और इन तीनों कानूनों का मोटा मोटा मैंने बताया, ये पूर्वाग्रह से ग्रसितों के नहीं बताया हूं, कानून के जो जानकार हैं इन कानूनों के जरिए कंपनी को हर जगह सही ठहरा सकेंगे और किसान हर जगह लूजर रहेगा। जहां की हमारे कानून में इतनी मतलब लचीलापन है तो ये कानून तो गढ़े ही उनके पक्ष में गए। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सवा घंटा हो बहुत अच्छा कहा। हम एक बात कहना चाहेंगे इस विषय पर जी, कि जहां तक
बीमा की बात आपने रखी जी, तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी अभी तक वो किसान को ब्लॉक स्तर जब डैमेज हो ये और बराबर बीमा काटा जाता रहा, जो भी बैंक से हम क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेते रहे उससे, और वो जो खाद को कोऑपरेटिव से लेते रहे उस खाद पर बीमा तुरंत कर दिया जाता रहा, वो सारा पैसा सरकार किसान से, कुछ हिस्सा सरकार देती थी कुछ हिस्सा किसान देता था, ऐसा सिस्टम बना। और आज तक शायद किसी को बीमा मिला हो, क्योंकि जब मैं डीएम के यहाँ बात उठाता था तो उसमें ये बात आती थी कि ब्लॉक स्तर पर अगर बीमा होगा और नुकसान होगा तब तुम्हें बीमा दिया जाएगा। अब इन्होंने ये खेल खेला है कि इन्होंने गांव स्तर किया है, जमीन ऊंची नीची है, जो धरातल है एक धरातल ऐसा है जिसमें जल भराव होता है, एक धरातल ऐसा है जिसमें जो ऊंचाई पर है, दो सिस्टम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो होता यह है कि कोई भी गांव इस तरीके से एक मुश्त नहीं होगा, कई बार हमने रिपोर्ट कराई लेकिन आज तक बीमा नहीं मिल सका, ये खेल खेला गया और सारा पैसा किसान से कट कर गया। बीमा को लेके मैं चाहूंगा पांडे जी का दिन रखेंगे तो मैं बताऊंगा मैंने पिछले 5 वर्षों में किन किन राज्यों में कौन कौन सी बड़ी कंपनियों ने कितने कितने हजार करोड़ रुपए किसानों के बीमा के नाम पे लूटे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरा इस पे नहीं, वो तो आप करेंगे करेंगे, ये मेरा दर्द है, मैं पेशे से किसान हूँ, मैं इस पर संघर्ष कर रहा हूँ और अंत में कंपनी बदल दी जाती है। टोक्यो थी पहले, अब दूसरी कंपनी आ गई और वो पैसा हजम करके पूरा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ हजम करके पूरा, और वो सीधे बैंक से उनका अटैचमेंट है, सीधे पूंजीपतियों को फायदा दिया जाता है, किसान का कोई बीमा का लाभ नहीं होता, ये खेल खेला गया है। और केवल बताने के लिए कुछ पेमेंट भले कहीं कर दिए हूँ, जो कुमार जी का बार बार फोन आ रहा है, मुझे वहां जाना है, बस धन्यवाद है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के। तीनों कानूनों का हम लोग विरोध करेंगे और इसमें जो सरकार हमें सजा देगी वो हम भुगतेंगे। अच्छा ठीक है, अनिल हम आपके साथ हैं भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग से बात करके। अनिल जी बस एक सवाल मोहम्मद अहमद खान का है, वो पूछ लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग जी मैं इंतजार करूंगा। मोहम्मद अहमद खान साहब जरा आप पूछिए जो सवाल पूछना चाह रहे। मोहम्मद अहमद खान आपका हाथ काफी देर से उठा हुआ है, अब आप पूछिए अनम्यूट करके। प्रवीण जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने कुछ चैट बॉक्स में टाइप किया है, आप चैट बॉक्स जी जी बोलिए बोलिए जी। वो हमने ये पूछा है कि किसानों का मतलब उनसे जो काम है, मान लीजिए फसल नहीं खरीदते हैं और इसी वजह से तो फसल का तो जो नुकसान हुआ ही, तो उसके श्रम का भी तो नुकसान हुआ है, उसको कुछ कोई गारंटी है उसकी? आपकी बात से लगा कि शायद कोई गारंटी नहीं है उसकी। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, सरासर झूठ बोल रही है सरकार। संसद में खड़े होकर लोग कहते हैं कि ये वैकल्पिक कानून है, कानून कोई विकल्प नहीं होता, एक बार लागू हो गया और कंपनियां अगर खाद बीज दवाई फ्री का ट्रक में भर के आएंगी, हर किसान पतंगों की तरह टूट पड़ेगा और आप नहीं रोक पाएंगे, इस कोई गारंटी नहीं है जी। एक एक सवाल मेरा था त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा मेरी जो समझ थी धारा 6 जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट वाला जी, उसमें लिखा है कि नो मार्केट फी और सेस और लेवी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द स्टेट एएमसी एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ विल बी लेवीड ऑन एनी फार्मर और ट्रेडर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस इन अ ट्रेड एरिया। और ट्रेड एरिया आपने डिफाइन किया हुआ है, वो मंडी को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो मेरी ये समझ थी कि अगर आप मंडी के बाहर खरीदेंगे तब सेस नहीं लगेगा और मंडी में खरीदेंगे तो लगेगा, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा है, इसको जरा स्पष्ट करो। देखिए ऐसा है कि मंडी जो संचालित होती है उसमें मंडियों में टैक्स लगाते हैं, सेस लेवी अलग है, लेवी ये सरकार जो खरीदती है उसे हमने लेवी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फार्म गेट पे खरीदते हैं तो उस व्यापारी को एक पैसा टैक्स नहीं लगेगा, अगर वही व्यापारी मंडी में आके खरीदता है तो उसे मंडी टैक्स भी देना पड़ेगा और राज्य सरकार के कुछ टैक्स कई बार लगते हैं वो भी देने पड़ेंगे, कई जगह ग्राम पंचायत भी उसे थोड़ा बहुत टैक्स अपना लगा लेती है व्यवस्था के लिए। तो अब ये बताइए कि
अगर टैक्स नहीं लगेगा तो कौन व्यक्ति, कौन किसान जाएगा अंदर बेचने, तो मंडियां समाप्त होगी। अब हमारा ये हमें दिक्कत नहीं कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो हमें हमें क्या, हमें तो अंबानी ले अडानी ले हमें तो वाजिब मूल्य दे दे किसान की, तो ये सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है मूल्य की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है ना। मंडी में तो कम से कम ये था कि लेवी पे ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लेगी, कोई दूसरा व्यापारी अगर आएगा तो नीलामी होगी, प्रतियोगिता होगी, ठीक है, प्रतियोगिता रहेगी। लेकिन जब जब आप उस मंडी को समाप्त कर देते हो और प्राइवेट मंडियां हो जाती हैं तो अंततः हमारा निगोशिएशन पावर कहाँ रहा? जी जी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देते नहीं हो, इसलिए जब ये बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट की तो बात ही नहीं आई, नहीं आती बात, नहीं आती बात। यदि मंडियां अगर चलती रहती आप वो लेते रहते, हम तो बार बार कहते थे कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानूनी प्रावधान लाइए। अभी दो साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने लाया भी था वहां पे, तो कई सरकारें इस तरह की कोशिश भी कर रही हैं, केरला ने भी कई चीजों पे लाया भी है, तो चूंकि राज्य सरकारों के अधीन माना जा रहा था, तो अगर आपको आमूल चूल कुछ परिवर्तन करना था तो लाना था, लेकिन आप तो लाए नहीं। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं आप, तो मंडियों को समाप्त करना था आपको। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया, मतलब आपने उस बात की पुष्टि कर दी कि टैक्स जो है वो मंडी के बाहर कोई अगर पैन कार्ड पे खरीदेगा तो नहीं लगेगा, मंडी के अंदर लगेगा। ये मैं भी यही समझ रहा था, इसकी पुष्टि हो। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय से ज्यादा हमारे साथ रहे। अब आप शिव कुमार जी के पास जाएं और हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे जी, तो जी, और तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बीमा वाला मुद्दा है इस पे हम आपको एक दिन फिर बुलाएंगे, क्योंकि ये बहुत करेंगे, करेंगे। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा कल के लिए मैं बता दूं कि कल हम लोगों ने आज अक्षय जी को बुलाया था, पर चूंकि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के पास समय नहीं था कल, इसलिए आज उनका किया गया, कल हम अक्षय का करेंगे। लेकिन अभी अक्षय ने कंफर्म नहीं किया है, तो डॉक्टर अमित सिंह उनका वो करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। हालांकि मैं देख रहा हूँ अरविंद मूर्ति जी भी आ गए, तो अरविंद जी भी किसी दिन ये काम कर सकते हैं मॉडरेटर वाला, यानी कि वो जो भी है उसका साक्षात्कार करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल अगर अक्षय नहीं आते हैं बॉबी, तो हम और प्रवीण जी और पुन्नालाल शुक्ला और रविंद्र वगैरह हरिद्वार में रहेंगे कल शाम को, तो अगर अक्षय का नहीं हो पाता है तो हम लोग हरिद्वार से एक सत्र कर देंगे, जो साधु लोग अनशन पे बैठे हुए हैं गंगा को लेके। ठीक है ना, हाँ। तो प्रवीण जी आपका फोन तो वहां काम करेगा ही, करना चाहिए सर। हाँ बस ठीक है ठीक है, तो हम लोग अभी ये सोच रहा था हम लोग ये टाइम भैया यही रहेगा। हाँ ये देखिए अनिल जी, टाइम रोज 7 से 8 है, तो आप रोज इसी लिंक पे आप 7 बजे ज्वाइन हो जाया कीजिए, और कोई ना कोई वक्ता बुलाया जाएगा। ज्यादातर दिन तो किसान आंदोलन पे ही चर्चा हो रही है, लेकिन अब जैसे कल है, कल हम लोग गंगा की बात करेंगे, तो अगर कल अक्षय भाई नहीं आते हैं तो हम अक्षय भाई से अभी बात कर लेंगे, वो उड़ीसा के किसान संगठन के नेता है, 800 किसानों को लेके गए थे उड़ीसा से नई दिल्ली 26 जनवरी को, चार पांच बसों में। तो अगर वो कल नहीं आते हैं तो कल हरिद्वार करके फिर उनको परसों ले लेंगे। मैं इंतजार करूंगा 7 बजे। जी 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 ठीक है ठीक, अच्छा नमस्ते जी। ठीक ठीक है बॉबी, हम लोग हरिद्वार पहुंच के बात कर लेंगे एक बार। ठीक है आप इसको आज समाप्त कर सकते हैं।